मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में पढ़ाया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज मैं स्टार्ट करूँगा आउटपुट डिवाइसेस, है ना। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है देखिए, स्टेप पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर इनटू गिवन द स्कैन फॉर्म। आउटपुट इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोसेस। देखिए एक्चुअली देखिए, आप इसको जब टाइप करते हो, ठीक है ना, टाइप करने का टाइप कहाँ से करते हो, इनपुट डिवाइसेस यानी कि आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप करते हो। जो भी आप वर्ड्स टाइप करते हो ना, तो कंप्यूटर एक्चुअली आपके वर्ड्स को नहीं समझता, वो कमांड्स को समझता है। तो वहाँ से जो भी आप टाइप वर्ड वर्ड टाइप कर रहे हो, टाइप भी जाता है सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होकर कन्वर्ट होकर जो लैंग्वेज वो कंप्यूटर समझता है उसमें कन्वर्ट करके, उसको प्रोसेस करके तब आपको आउटपुट की तरह दिखाता है, यानी कि रिजल्ट जो होता है उसको बोलते हैं आउटपुट, है ना। तो डिस्प्ले पे मॉनिटर के, मॉनिटर पे आपको रिजल्ट्स आता है, जो भी आप टाइप करो मॉनिटर पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हो वहाँ से आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हुआ आउटपुट। आउटपुट क्या एक्चुअली एक रिजल्ट है, है ना। जब सीपीयू उसको प्रोसेस करके, है ना, आपको लैब उसपे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है, उसको बोलते हैं आउटपुट एंड रिजल्ट्स आ गया, है ना। फिर रिजल्ट को बोला जाता है आउटपुट प्रोसेसिंग। जो भी इनपुट किया जाता है, कुछ भी डाला जाता है, उसको प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट दिखाई देता है उसको बोलते हैं आउटपुट, है ना। और जिस भी ये आउटपुट दिखाई देता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मॉनिटर मॉनिटर पर रिजल्ट देखते हो तो आपका ये आउटपुट डिवाइस हुआ, है ना। फिर आप प्रिंटर, प्रिंटर देखते हो, जो भी आप टाइप करते हो उसको प्रिंट करके निकालते हो, क्या कैसे प्रिंटेड कॉपी निकलता है ना रिजल्ट की, तो क्या रिजल्ट है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर का डॉट प्रिंटर, प्रिंटर का ही अलग अलग फॉर्म है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसको ह्यूमन समझ सके, उस फॉर्म में क्या आता है रिजल्ट्स आता है। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट्स बनते हैं उनको क्या करता है, आपका जो भी आउटपुट डिवाइस उसको रिसीव करता है, ना। वी आर इन कोड फॉर्म एंड कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन रिलायबल फॉर्म। तो जो सीपीयू से जो भी प्रोसेस होके जो भी चीज़ आता है वो कोड फॉर्म में रहता है, तो कोड फॉर्म को आउटपुट उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, जो भी जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कर देता है। तो ये हुआ हमारा आउटपुट, एक्चुअली क्या रिजल्ट्स को आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो हमें मॉनिटर वगैरह पे दिखाई देता है, है ना। तो जैसे कि फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा था कि आउटपुट डिवाइस यानी रिजल्ट्स जो आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, जो भी हम टाइप करते हैं जो रिजल्ट्स हमें आता है उसको बोलते हैं आउटपुट, है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉनिटर। तो मॉनिटर का मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें रिजल्ट दिखाई देता है ना। आप मॉनिटर पर कुछ टाइप कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट दिखने के लिए होता है। हाँ, तो ये क्या आपका डिवाइस है ना। तो मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ये क्या होता है। मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। अगर मॉनिटर ना रहे तो आप क्या, जो भी आप टाइप करो कहाँ देखोगे कि सही टाइप हो रहा है गलत टाइप हो रहा है, क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है, है ना, कंप्यूटर का। मॉनिटर हैज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स नोन एज पिक्चर्स। मैंने बताया था कि जो भी पिक्चर्स वगैरह या फिर जो भी डिस्प्ले होता है ना, वो डॉट्स का मिलकर बनता है, जो भी डॉट्स छोटे डॉट्स मिलके, है ना, ये सब डॉट्स मिलकर बनाते हैं कोई किसी भी कंप्यूटर के किसी भी मॉनिटर या मतलब स्क्रीन को, फोटो या किसी भी चीज़ को, इसको बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोलते हैं पिक्सल्स। इसी भी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कोई भी फोटो वगैरह बनता है, सब फोटो देख देख कैमरा भी लिखाता है 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, है ना, 48 मेगापिक्सल। एक्चुअली क्या होता है पिक्सल्स के नंबर ऑफ पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे पिक्चर क्या होगा उतना ज़्यादा फ्रेश होगा, है ना। तो क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन जो मॉनिटर जो है इसका बना होता है छोटे छोटे डॉट्स का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं पिक्सल्स बोलते हैं, है ना। रिजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द डॉट्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डॉट्स। तो रिजोल्यूशन अब आता है, ये तो मैंने बता दिया कि डॉट्स से बल्कि बना होता है। तो रिजोल्यूशन अब क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है कि रोज, रोज जानते हो ये जो होता है इसको रोज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स, है ना। तो रोज में यानी रोज में कितने क्या है डॉट पिक्सल्स हैं और क्या है कॉलम्स में कितने पिक्सल्स हैं। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन रोज एंड कॉलम्स इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन, है ना, ठीक है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या डिसाइड करता है कि रोज में कितने पिक्सल्स होंगे और कॉलम्स में कितने पिक्सल्स होंगे, है ना। हाई रेजोल्यूशन
monitors will have more pixel in given area, then the load reducing is one of the same physical dimension solution is measured in PPI. देखिए जितना higher resolution होगा आपका क्या होगा monitor कम उतना ज़्यादा pixel होगा given area में और जितना कम resolution होगा आपका pixel क्या होगा उसे क्या होगा load is resolution was of the same physical dimension resulting made up in PPI. तो उतना size भी same रहेगा but pixels की मात्रा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. तो जितना हायर रेजोल्यूशन का आपका जो भी रेजोल्यूशन होगा आपका पिक्चर उतना फ्रेश आएगा, जितना लो रेजोल्यूशन होगा पिक्चर उतना धुंधला आएगा, है ना. तो रेजोल्यूशन को PPI में मापा जाता है. किस मापा जाता है PPI. PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, मतलब एक इंच में कितना पिक्सल्स है उसको बोलते हैं PPI, है ना. किस मापते हैं रेजोल्यूशन को PPI में मापा जाता है, है ना. द डिस्प्ले रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. अब क्या है रेजोल्यूशन कितने फैक्टर्स डिपेंड करता है. रेजोल्यूशन कलर प्रिंटर होता है और ब्लैक एंड प्रिंटर क्या होता है जो भी आप फोटोकॉपी वगैरह करवाना चाहते हो
ब्लैक कलर जो पीछे दिखा सिर्फ ब्लैक कलर से दिखाई देता है उसको बोलते ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। वो प्रिंटर्स होता है, प्रिंटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज है ना। प्रिंटर्स कितने कैटेगरीज में बांटा गया रहता है, दो कैटेगरीज। प्रिंटर कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट का एक होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इट यूज हैमर और पिंस दैट स्ट्राइक अगेंस्ट द रिबन एंड पेपर टू प्रिंट द टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, हैमर्स और पिंस लगे होते हैं जो क्या करते हैं पेपर के एक रिबन पे स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है प्रिंट, प्रिंट जो भी आपका पेपर है उस पर टेक्स्ट प्रिंट होता है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हैमर या फिर पिन इनका यूज किया जाता है रिबन पे स्ट्राइक जैसे करते हैं उसी तरह क्या होता है प्रिंटर पे जो भी आपका पेपर है उस पर टेक्स्ट प्रिंट होता है, इसको इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। आपके इम्पैक्ट प्रिंटर ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा क्या होता है लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, इट प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम एट अ रिलेटिवली स्लो स्पीड, इट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट एक कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, बहुत स्लो होता है यानी कि एक टाइम में सिर्फ एक ही वर्ड इसका प्रिंट होता है, इसको बोलते हैं क्या कैरेक्टर प्रिंटर। और डॉट प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, देखिए मैं कैरेक्टर प्रिंटर में एक और आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना। इट इज प्रिंट कैरेक्टर एज कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, डॉट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है इसमें जो भी टेक्स्ट है वगैरह बनता है। दिस हैविंग मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑन द प्रिंट हेड ऑफ द प्रिंटर दिस फॉर्म्स द कैरेक्टर। इसमें क्या होता है डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स ये से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इन डॉट्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ प्रिंट किया जाता है उसको बोलते हैं उसमें किसमें होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में है ना। देर इज अ कार्बन बिटवीन द पिंस एंड द पेपर, इसमें क्या होता है पिन और पेपर के बीच में एक कार्बन लगा होता है। द वर्ड्स गेट प्रिंटेड ऑन द पेपर व्हेन द पिन स्ट्राइक्स द कार्बन, प्रिंटर पे कैसे कोई लिखा जाता है पेपर पे, जैसे ही वो स्ट्राइक करता है पिन तो क्या होता है बीच में कार्बन लगा है वो पेपर से स्ट्राइक होके जो भी चीज़ें वो जो वर्ड आपने टाइप प्रेस किया है वो पेपर पे उग जाएगा। देर आर जनरली 9 or 24 पिन स्टोर, इसमें कितने पिन्स होते हैं 9 or 24 पिन्स होते हैं। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, इसकी स्पीड किसने मापा जाता है CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स वो टाइप कर रहा है। एंड द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम 5 to over 500 CPS है ना। इसका स्पीड 50 कैरेक्टर्स पर सेकेंड से लेकर 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड तक हो सकता है ना। इसमें डॉट प्रिंटर्स, डॉट प्रिंटर क्या होता है इसमें पिन्स लगे होते हैं और कार्बन्स लगे होते हैं पेपर के बीच में, तो जैसे ही पिन पे कर्सर को दिए आपको क्या होगा ये पेपर है पर कार्बन का लगा हुआ है यहाँ पर एक पिन है ना, जैसे ही पिन से स्ट्राइक करेगा ना ये कार्बन सटेगा और यहाँ पर क्या कर देगा कैरेक्टर लिख देगा है ना। तो क्या होता है ये इम्पैक्ट डॉट प्रिंटर्स। तो इसको मैंने यहाँ तक पढ़ाया, उसके बाद मैं ये चीज़ों को कल आगे उठा के डिस्कस करूँगा। जो वीडियो उसको ध्यान से देखिए आप, अगर एक बार समझना है तो इसको एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे से जो भी प्रॉब्लम है वो डाउट्स आप पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।